Light is greater than darkness. उजियाला जो अंधकार से कहीं गुना बढ़कर है. Righteousness is greater than sin. धार्मिकता जो पाप से कहीं गुना बढ़कर है. Jesus is greater than the devil. यीशु मसीह शैतान से बढ़कर है. Do believers sin? विश्वासी पाप करता है? Everybody is quiet. सभी चुप हो. At least have you heard somebody sins? Some believers. क्या कभी आपने सुना है एक विश्वासी को पाप करते हुए? Yes, they do. हाँ, वे करते हैं. When they do, the Bible says, confess your sins, and He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Bible कहता है हाँ वो करते हैं. और जब वो करें तो उन्हें क्या करना चाहिए? अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि वो सच्चा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है. That is also limited confession. It's not our confession. और वह भी जो एक सीमित अंगीकार हो, हमारा अंगीकार नहीं है. What is the limitation? क्या सीमाएं हैं? It deals with that particular sin that was committed on that day. उस दिन जो पाप उसने किया, उस दिन का अंगीकार है. You are not going to hold fast to it and confess it for the rest of your life. आप उसी को थामे नहीं रह सकते और पूरी जिंदगी उसी के द्वारा जी नहीं सकते. Confession you make only when you sin. जब तुम पाप करते हो, उस दिन का अंगीकार है. It is about that sin. वह उस पाप के बारे में है. So that's not our confession. तो वह हमारा अंगीकार नहीं है. The fourth one is our confession. चौथा जो है हमारा अंगीकार है. That is the believer's confession. और वह है विश्वासी का अधिकार. Believer's confession is a broad confession covering five areas of redemption. विश्वासी का एक अंगीकार जो एक बहुत बड़ा अंगीकार है, जो उसके जिंदगी के पांच विभिन्न भागों में विस्तार रूप से किया जाता है. Basically five things. पांच बुनियादी बातें. I'm not teaching about those five things, but let me just mention. मैं उन पांच के बारे में नहीं कहने वाला, पर मैं तुम्हें बताता हूँ. The confession of a believer deals with what God has wrought for us in and through Jesus in the redemption. छुटकारे में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने एक विश्वासी के लिए क्या किया है, वह पहला अंगीकार है. Secondly, दूसरा, a believer confesses what the word of God and the Holy Spirit has done in us through the new birth and through the infilling of the Holy Spirit. परमेश्वर के वचन ने और पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरने के कारण यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या किया है, वह अंगीकार. Thirdly, तीसरा, believer must confess who we are to God in Christ, in and through Christ. मसीह यीशु के द्वारा हम मसीह में कौन है, इसे अंगीकार करना चाहिए. That we are sons, heirs and so on. हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके वारिस हैं, ये सब. Fourthly, चौथा, what is Jesus? A believer must confess what Jesus is doing today as our high priest and advocate at the right hand of the Father. यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए क्या कर रहा है, वह एक अंगीकार है. पांचवा, what the word of God can do from our lips today.
हमारे होठों के द्वारा परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या कर सकता है। एवरी बिलीवर हैज टू मेमोराइज दिस। हरेक विश्वासी को उसे याद कर लेना चाहिए, राइट? ठीक है, दिस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये चीजें जो आपने पूरे जीवन काल में आप उपयोग कर सकते हो। ऑल द टाइम यू आर गोइंग टू यूज इट। हरेक वक्त आप इसे उपयोग कर सकते हो। When the author of the book of Hebrews says, let us hold fast to this confession, जब इब्रानियों के लेखक कहता है कि हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, about this confession, इस अंगीकार के बारे में कहता है, the believer's confession, विश्वासी के अंगीकार के बारे में। This is broad in scope. This covers a lot of things. There is so much to confess. ये बहुत ही बड़ा है, विस्तार है हमारे जिंदगी के बहुत सारे अंगों को जो है। लॉजिक बिहाइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही जरूरी है। आई वांट टू एक्सप्लेन दैट। मैं उसे समझाना चाहता हूं। व्हाई डू वी हैव टू कन्फेस? क्यों हमें अंगीकार करना चाहिए? लॉट ऑफ पीपल यू नो टॉक बैड अबाउट पॉजिटिव कन्फेशन बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड पॉजिटिव। बहुत सारे लोग जो है सकारात्मक अंगीकार के बारे में बुरा कहते हैं, सही समझते हैं। समटाइम्स सम पीपल दैट टीच इट आल्सो डोंट गिव द राइम और रीजनिंग बिहाइंड। कभी कभी जो इसके बारे में सिखाते हैं तो सही रूप से इसका कारण नहीं बता पाते। सिंपली से इफ यू आर सिक आई एम हील्ड। कहते हैं कि अगर तुम बीमार हो तो कहो कि मैं चंगा हूं। If you're poor, say I'm rich. अगर आप गरीब हो तो कहो कि मैं धनवान हूं। So people think, what nonsense is this? You know, why should I say things like that? लोग सोचते हैं कि क्या मूर्खता की बात है ये? कैसे मैं ऐसा कह सकता हूं? Is this Christian doctrine? क्या ये मसीह उपदेश है? See, Christian doctrine is always soundly based on certain reasoning. देखिए, मसीह उपदेश जो है हर वक्त जो है बुनियादी कारणों के द्वारा ही जो बनी जाती है। And I want to deal with that only. और मैं उसी के बारे में कहना चाहता हूं। You know, the reason is this. Number one reason is this. उसका कारण यह है, पहला कारण यह है। Why do we have to confess? क्यों हमें अंगीकार करना चाहिए? Why this positive confession of all these five aspects is very important? इन पांच अंशों का जो है सकारात्मक अंगीकार क्यों जरूरी है? Number one reason is this. पहला कारण यह है। When faith-filled words, जब विश्वास भरे शब्द dominate the law of sin and death, पाप और मृत्यु की व्यवस्था पर अपना राज जमाता है, it dominates the law of sin and death, तब वह पाप और मृत्यु की व्यवस्था पर शासन करता Now, है। Now, let me explain this. जब अब मैं इसे समझाता हूं। What is the law of sin and death? पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या है? Turn with me to Romans chapter 8. मेरे साथ मोलिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। And let me read to you verse 2. और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। For the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Two laws are mentioned here, right? दो व्यवस्थाएं बताई गई हैं ना? One is the law of the spirit of life in Christ Jesus. एक जो है जीवन की व्यवस्था जो मसीह यीशु में है। And the other is the law of sin and death. और दूसरा जो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था। Let me explain the law of sin and death first. पाप और मृत्यु की व्यवस्था को समझाता हूं पहले। What is this law of sin and death? ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या है? There is a law that has been in motion in this world today, that has been set on in this world today, ever since the fall of Adam. जब आदम पाप में गिरा तब से अब तक जो एक व्यवस्था है वो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था। That law is called sin and death. और वह व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था। It is a law. एक व्यवस्था है। What does that law mean? उस व्यवस्था का अर्थ क्या है? If you sin, death will follow. अगर आप पाप करो तो मृत्यु तुम्हारा पीछा करेगा। Not physical death alone, but you know, death is an all-inclusive word that includes all that is evil. सिर्फ शारीरिक मृत्यु ही नहीं, बल्कि मृत्यु जो है, बाकी सभी प्रकार की चीजें जो बुरी हैं, वो सब उसमें आ जाती हैं। Ultimately, it includes physical death, and more importantly, it includes eternal death, which is eternal separation from God. आखिर में जो है, शारीरिक मृत्यु भी उसमें आ जाता है, और तुम्हारा अनंत काल भी मृत्यु की ओर चला जाता है, जो परमेश्वर से अलग हो जाते हो। You know, But death sets in as soon as sin comes. पर मृत्यु तभी आता है जब पाप में प्रवेश करता है। God said to Adam that don't eat of this tree of the knowledge of evil, good and evil. The day you eat it, you'll die. परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस वृक्ष के फल को न खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मृत्यु को पाएगा। But they didn't die. वो तुरंत नहीं मरा। They lived for 900 some years. 900 साल तक वो जीवित रहा। But what kind of life they did? पर किस तरह का जीवन वो जीते रहे? Lost the garden. इदन वाटिका को खो दिया। All the wonderful facilities that God prepared for them. अद्भुत सुविधा जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की थी सब खो गए। The blessed life in the garden. आशीष भरी जिंदगी वाटिका में खो गए। They lost their relationship with God. परमेश्वर के साथ रिश्ते को खो गए। They lost their happiness. अपनी खुशी को खो गए। Lost their family life. अपने पारिवारिक जिंदगी को खो दिया। There is tension between husband and wife now. पति और पत्नी के बीच रिश्ता आ गया है। Tension between brothers. भाइयों
के बीच में टेंशन. इट रिजल्ट्स इन मर्डर. अब जो वो हत्या पे जाकर उतरता है. ही इज आउट इन द वाइल्ड, आउट ऑफ द गार्डन, विदाउट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, विदाउट अ रिलेशनशिप विद गॉड. ही इज आउट देयर टू मेक इट ऑन हिज ओन. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बिना, परमेश्वर की आशीषों के बिना वह जो उस बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेथ. उसी को जो है मृत्यु कह रहे हैं. It started right there. वहीं पर शुरू हो गया. That kind of life, even though he lived for 900 years, it is a kind of death. उस तरह का जीवन वो 900 साल तक तो जिया पर मृत्यु के बराबर था. Every day he's got to worry about his survival. हर एक दिन जो है अपने जीवन के लिए उसे चिंता करना पड़ा. अपने आमदनी के लिए चिंता. Worry about his food. अपने खाने के लिए चिंता करना पड़ा. Worry about his protection. अपने सुरक्षा के लिए चिंता करना पड़ा. Everything was a burden and a worry and a trouble. सारी चीजें जो उसके लिए एक भार बनकर समस्या बनकर रही. Wars and enmities and all of these things began to come. युद्ध होने लगे, शत्रुता बढ़ने लगी और सभी चीजों में जो बुरा होने लगा. Has plunged very deeply into the consequences of sin. द्वारा जो है बहुत सारी चीजें उस पर आकर दबाने लगी. So just because he lived 900 years, it doesn't mean he's lived. 900 साल तक जिया उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी तरह से जिया. It's a very bad life. बहुत ही बुरी जिंदगी. That is what is called death. उसी को हम मृत्यु कह रहे हैं. The good life is what is called life. अच्छी जिंदगी को जो है यहाँ पर जीवन कहा गया. That is what he had in the garden of Eden. और वही जो एदेन वाटिका में उसने पाया था. So sin has brought death. तो पाप जो है मृत्यु को लाया है. People always say, you know, when they encourage you to sin, you know, the talk among students and young people, you know, is like this: Do it, nothing will happen. देखिए, अक्सर जो पाप ऐसा करते हैं, जो युवक लोग होते हैं, छोटे लड़के जो होते हैं, कहते हैं करो यार, डरो मत. Everybody is doing that. सब लोग कर रहे हैं यार. No problem. Why are you afraid? कोई चिंता मत करो, क्यों डर रहे हो? I did it. I'm all right. तुम करो, मैंने भी किया था, कुछ नहीं, nothing will happen. कोई कुछ नहीं जानेगा, कुछ भी नहीं होगा. Biggest lie. बहुत बड़ा झूठ. That's the devil's lie, original lie. शैतान का सच्चा झूठ यही है. If anybody talks to you like that, remember, he's come from the devil. अगर कोई ऐसा बात करे तो जान लो शैतान के पास आया. Inspired by the devil. शैतान के द्वारा वो बोल रहा है. Because the moment you do the thing that is not right, जैसे ही तुम करते हो, कहते हो कि वो ठीक नहीं है. Immediately your countenance will change. You will hang your head in shame. You will go and hide. You will do exactly what Adam did. You will not be able to lift up your head. You will be in shame. You will be in regret and anguish and guilt and so on. जी, तुरंत जो है तुम अपना चेहरा परमेश्वर से छुपाने लगोगे. आदम जैसे छुपने लगा था वैसे छुपोगे. तुम जो है शर्म और अपमान से अपने सर को झुकाते रहोगे. अपना सर कभी उठा नहीं पाओगे. Family relationships will be affected. पारिवारिक रिश्तों में जो है बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा. Everything will be ruined. सब कुछ नाश हो जाएगा. The garden of Eden life will be gone. Eden वाटिका का वो जीवन जो है हट जाएगा. Why? क्यों? Because you believed the lie and did what you should not do. तुमने उस झूठ पर भरोसा किया और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था उसे तुमने किया. Sin comes, death will come. पाप आ गया तो मृत्यु जरूर आएगी. James chapter 1, there is a wonderful passage. याकूब पहले अध्याय में जो एक अद्भुत सा पद है. Somewhere in the middle, in about 12th verse and onward. 12वें वचन से कहीं जो है इसके बारे में बताया गया है. It talks about how one who is tempted not say that God tempted him, because God does not tempt anyone with sin, neither is he tempted with sin. वहां कहा गया है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा करता है. How this temptation happens. फिर वो कहता है कि कैसे ये परीक्षा हो रही है. How sin happens. कैसे पाप होता है. And what sin produces. और पाप क्या उपजाता है. People are attracted towards sin. They are tempted, drawn towards sin, and they go and yield to the drawing and end up doing what they should not do. And when they sin, when sin comes in, it produces or gives birth. That word is used there. It births death. पाप क्या करता है? पाप अपनी ओर सभी चीजों को आकर्षित करता है, परीक्षा में डाल देता है. उस आकर्षण और उस परीक्षा में जब गिर जाते हैं तो उसकी बातों को सुनते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए उसे करते हैं, और वह एक नए जन्म को उत्पन्न देता है. Once you make someone pregnant, child will be born. किसी को तुम अगर गर्भवती कर दो तो जरूर बच्चा होगा. Isn't that right? है कि नहीं? So once you sin, it's like pregnancy. Surely child will come. एक बार तुम पाप करो तो जरूर मृत्यु होगा, जरूर बच्चा जन्म देगा, जरूर वहां पर मृत्यु होगा. Now sin and death has become a law. अब पाप और मृत्यु जो है व्यवस्था बन गया. This is happening every day in everybody's life. हर एक व्यक्ति के जिंदगी में यह हो रहा है. This is the law of this world now. और यह अब इस दुनिया की व्यवस्था बन गई है. The world is steeped into this law, is operating with this law all the time, everywhere. You see, sin and death, sin and death, sin and death. यह दुनिया जो है इस पाप और मृत्यु की व्यवस्था में ही चल रहा है. जहां कहीं भी देखो, पाप और मृत्यु हो रहा है.
I'm explaining what this is. मैं समझा रहा हूँ क्या है ये. World is going on this on the basis of this law, sin and death. दुनिया जो है इस व्यवस्था के अनुसार पाप और मृत्यु के अनुसार चल रहा है. Whole world is running on this. पूरी दुनिया इसी पर चल रही है. How to get delivered from this? कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? Sin and death is a vicious cycle, you know. ये पाप और मृत्यु जो एक साइकिल के रूप में. We are caught in that. इसमें हम फंस गए हैं. All human beings are caught in that sin and death. पूरा मनुष्य वर्ग जो इस पाप की समस्या में पाप और मृत्यु में फंसे हुए हैं. There comes Jesus 2000 years ago. और अब यहाँ 2000 साल पहले यीशु मसीह आता है. What does he do? वह क्या करता है? He deals with that sin problem. वो उस पाप की समस्या को सुलझाता है. Breaks the power of sin. पाप की सामर्थ को तोड़ता है. Our savior वो हमारा उद्धारकर्ता बनता है. Way out of this vicious cycle. और इस बहुत बड़े साइकिल से जो है हमें बाहर so निकालता है. So when he died for our sins, dealt with our sins and rose again. जब वह हमारे पापों के लिए मरा, जी उठा. Now there is another law that has been set in motion. अब एक और व्यवस्था है जो यहाँ पर लागू हो गई है. That law is called in this verse as the law of the spirit of life in Christ Jesus. और उस व्यवस्था को जो है मसीह यीशु में जीवन की आत्मा कहा गया. What is this law? अब ये व्यवस्था क्या है? The law of the spirit of life, not death. Spirit of life, it produces life in Christ Jesus. जीवन की आत्मा कहा गया है, मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा जो हमें जीवन प्रदान करती है. The exact opposite law. बिल्कुल उल्टा व्यवस्था. Not only opposite law, it is a greater law, more powerful law. सिर्फ उल्टा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि महान व्यवस्था है, बहुत ही सामर्थ्य भरा व्यवस्था है. The difference is the difference between light and darkness. अंतर यह है अंधकार और उजाले का अंतर. Which is more powerful? कौन सा बहुत सामर्थ्य भरा है? Darkness or light? अंधकार या उजाला? Light is more powerful. उजाला बहुत सामर्थ्य भरा है. Absolute pitch darkness, and when you turn light on, darkness has to leave. आप जहाँ पर हो वहाँ पर गोर अंधकार हो सकता है. वहाँ पर उजियाला चालू करो तो अंधकार को वहाँ से निकलना होगा. Light is powerful. उजियाला में बहुत सामर्थ्य. It is a positive law. वह एक सकारात्मक व्यवस्था है. Darkness is powerful, but it's a negative law. Therefore, it is lesser. It's a lesser power. अंधकार भी सामर्थ्य भरा है, पर उजियाले के सामने उसका कम सामर्थ्य. Romans chapter 5 verse 12 to 25 is a description of the contrast between these two laws. रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के 12वें वचन से लेकर 25वें वचन में जो है अंधकार और उजाले का अंतर देख पाते हैं. Sin does, वहाँ पर पाप क्या करता है उसके बारे में है. How much destruction has happened because of sin. कितना नाश और विनाश इस पाप के कारण हुआ है उसका वर्णन है. And then he says what Jesus has done. और फिर जो ईश्वर ने जो किया उसका कहा गया है. And it says what Jesus has done is much more than what sin has done. जो ईश्वर ने किया है वह पाप ने जो किया उससे भी कहीं गुना ज्यादा है. This is a positive law. क्योंकि एक सकारात्मक व्यवस्था है. In that context only you have that verse where sin abounds, grace does much more abound. उसी पृष्ठभूमि में कहा गया है कि जो पाप ने किया उससे भी कहीं गुना ज्यादा उसके अनुग्रह ने किया है. ठीक है. Must always look at it with context. उस पृष्ठभूमि के आधार पर हमें देखना चाहिए. What is he saying? वो क्या कह रहा है? He says, yeah, sin came in with Adam through the devil. Sin came in back then in the Garden of Eden, caused the great damage. But Jesus came in, and this is what Jesus has done. What Jesus has done is much greater than what sin has done. हाँ, कहा गया है कि पाप आया, एदेन वाटिका में पाप ने बहुत बड़ा विनाश किया, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, पर उसके बाद यीशु मसीह आया, जो कुछ भी पाप ने किया उससे भी कई गुना ज्यादा यीशु मसीह ने और उसके अनुग्रह ने किया. Light is greater than darkness. उजियाला जो अंधकार से कई गुना बढ़कर है. Righteousness is greater than sin. धार्मिकता जो पाप से कई गुना बढ़कर है. Jesus is greater than the devil. यीशु मसीह शैतान से बढ़कर है. This is the difference between these two laws. और दो व्यवस्थाओं का अंतर यही है. So now two laws are operating. अब दो व्यवस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं. The law of sin and death and the law of the spirit of life in Christ Jesus. पाप और मृत्यु की व्यवस्था और यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था. Both laws are operating. दोनों व्यवस्थाएं काम कर रही हैं. But the point is, how does this law operate? पर बात यह है कि कैसे ये व्यवस्थाएं काम कर रही हैं. Laws must be set in motion, right? व्यवस्थाओं को लागू करना चाहिए. Electricity, the lights are burning because of a certain law. ये बत्तियां इसलिए जल रही है क्योंकि यहाँ पर एक व्यवस्था काम कर रही है. Right? ठीक है. The wiring has been done, electrical connection has been given. वायरिंग किया गया है, बिजली का कनेक्शन दिया गया है. Fixtures are in place. सभी फिक्स्चर अपने अपने जगह में है. But if you don't turn the switch on, it will never come on. अगर आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तो बत्ती नहीं जलेगी. There is a way to set the law of
इलेक्ट्रिसिटी इन इफेक्ट. बिजली को जो है इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक रास्ता. इट्स नॉट ओवर विद द वायरिंग. वो उस वायरिंग से खत्म नहीं होता. इट इज नॉट ओवर वंस यू बॉट द फिक्स्चर्स एंड हंग देम. फिक्स्चर्स लाकर लटका दो तो कुछ नहीं होने वाला. इवन गिविंग कनेक्शन इज नॉट ओवर. कनेक्शन देने से भी कुछ नहीं होने वाला. नो, समथिंग मोर हैज टू बी डन. उससे भी ज्यादा कुछ किया जाना चाहिए. एवरी टाइम देयर इज डार्कनेस, एवरी टाइम यू कम इनटू दिस हॉल, इफ इट्स डार्क यू गॉट टू टर्न द लाइट ऑफ. एक बार जब तुम इस हॉल में आते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बत्तियों को चालू करना चाहिए. When you come in here and it's dark, you don't sit here and say, "My God, it's so dark." जब तुम यहाँ पर आओगे अंधकार होगा तो यहाँ बैठा नहीं चाहोगे. कहोगे, "हे परमेश्वर, क्या हो गया?" Hello. Hello. We know exactly what to do. हमें मालूम है कि क्या करना चाहिए तुरंत. We are never worried about darkness. कभी अंधकार को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए. There are two laws in operation in this world. इस दुनिया में दो व्यवस्थाएं काम कर रही हैं. The law of sin and death is operating every day. पाप और मृत्यु की व्यवस्था हर दिन काम कर रही है. There is not one minute that it is not in operation. एक मिनट भी ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता. If you don't watch out, it will pull you into poverty. It will pull you into failure. It will pull you into strife. It will pull you into its darkness. अगर आप उसे ध्यान नहीं करोगे तो वह तुम्हें दरिद्रता की ओर, झगड़ों की ओर, लड़ाइयों की ओर, पराजय की ओर तुम्हें खींच ले जाएगी. Do you know how to get out of the darkness? क्या आप जानते हो कैसे इस अंधकार से बाहर निकले? Do you know how to get the darkness out? कैसे इस अंधकार को बाहर निकालें? Do you know this other law that has also been set in motion? क्या आप दूसरी व्यवस्था जो यहाँ पर काम कर रही है उसके बारे में जानते हो? It is available. वो हमारे लिए उपलब्ध है. Particularly available to overcome and prevail over this law of sin and death. विशेष रूप से हमारे लिए उपलब्ध है कि जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है उस पर जीत पाने के लिए उपलब्ध है. How can you prevail over the darkness? कैसे आप इस अंधकार पर जय प्राप्त कर सकते हो? Set the law of the spirit of life in Christ. मसीह यीशु में जो जीवन की आत्मा है उसे लागू कीजिए. How do you set it in motion? कैसे आप उसे चालू कर सकते हो? This is another big question. दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न. How do you set the law of the spirit of life in Christ Jesus? मसीह यीशु में जो जीवन की आत्मा है उसको कैसे आप चालू कर सकते हो? How was the law of sin and death set in motion? कैसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था को तुमने लागू किया? In the Garden of Eden, what happened? एदेन वाटिका में क्या हुआ था? How did the law of sin and death come into effect? कैसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था वहाँ पर लागू हुई थी? If you understand that, you'll understand this. अगर आप उसे समझ गए होंगे तो इसे भी आप समझ सकते हो. How sin came in? मालूम है कैसे पाप आया? How death came? कैसे मृत्यु आया? Because man disobeyed God's word. क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के वचन का अनादर किया. Remember when the devil came and talked to Eve? जब शैतान ने आकर हवा से you बात know, किया. He didn't invite Eve to a movie. देखिए, हवा को जो है फिल्म देखने नहीं बुलाया था उसने. He didn't offer whiskey to Eve. उसने कोई विस्की का बोतल नहीं दिया था हवा को. He didn't offer any kind of sinful things to that we call sin today to Eve. जिसे आज हम पाप कहते हैं उन सभी पापों को करने के लिए हवा को नहीं बुलाया. They didn't rob a bank. जाकर उसने बैंक को They नहीं लूटा. They didn't kill anybody. उन्होंने किसी की हत्या नहीं की. They didn't commit adultery. उन्होंने कोई व्यभिचार नहीं किया. None of those things. उनमें से कोई भी काम उन्होंने नहीं किया. That we famously call sins today. None of those things they could do. None of these things they could do at all at that none of these things are possible. जिन चीजों को आज हम बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि ये सब पाप हैं, उनमें से किसी भी पापों को उन्होंने नहीं किया, कभी करने का मौका भी नहीं था. Hello. One fellow asked me, "What's the big deal, brother? They never did anything, just two people. They're there in the garden. The Bible says he sinned and the fall came." आदमी ने मुझसे कहा, "क्या बहुत बड़ा डील है ब्रदर? वे सिर्फ दो लोग थे वाटिका के अंदर, उन्होंने क्या बड़ा पाप कर दिया था?" What is the sin? पाप क्या है? God said, "Don't eat of that fruit." परमेश्वर ने कहा उस वृक्ष के फल को न खाना. And Satan came and said, "Has God said?" शैतान ने आकर हवा से कहा, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? You see, he is aiming his attack on the word of God. उसका पूरा ध्यान जो है परमेश्वर के वचन पर आकर कर रहा है. The challenge to Adam and Eve. Are you going to take my word or God's word? हवा को चुनौती यहाँ पर यह है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं या शैतान के वचन? Are you going to obey my word or God's word? मेरे वचन को सुनोगे या परमेश्वर के वचन को सुनोगे? Don't obey his word. उसके वचनों को मत सुनो. Obey my word. मेरे वचनों को सुनो. There are great benefits in obeying my word. मेरे वचन को सुनोगे तो बहुत लाभ पाओगे. And lo and behold, Eve obeyed the devil's word and Adam obeyed the devil's word and rejected God's word. हवा ने जो है शैतान के वचन को सुना, आदर किया, और आदम ने भी ऐसा ही उसके वचन को सुना. In the beginning, in the Garden of Eden, there was nothing for them to sin except the sin against the word of God. एदेन वाटिका में आदि में जो है पाप करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के वचन का अनादर किया. So the law of sin and death came into motion when they violated God's word. तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था वहीं पर शुरू हो गई जब उन्हें परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तभी शुरू हो गया.
friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love like God is never wrong, and he makes time for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love like God is never wrong, and he may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence in knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, he may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, and hearts filled up with joy. Oh, we got love, my God is never wrong, he may stand for me. It blew apart my chains and set the sinner free. We got, it's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his soul. God himself is with me and I know I'm never alone. I know all my tomorrows will be better than all my hopes. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost.